श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। गुरुजी ने शिव शक्ति का उपाय बताया था जो इस वीडियो में हम आपको करके दिखाएंगे और अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। पहले यह उपाय किन्हें करना है वह समझ लीजिए। बहुत हार गए हो जिंदगी से, दुख कट ही नहीं रहा हो, थोड़ा दुख आता हो वह ठीक होता हो पर इसके बाद फिर से दुख आ जाता हो, तो गुरुजी ने आपसे शिव शक्ति का स्मरण करने को कहा है और साथ में इस उपाय को करने को कहा है। आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे जब भी जाते हो तब एक घी का दीपक ले जाना है। इस घी के दीपक में आपको दो बाती वाली बाती लगाना है, साथ में आपको एक अक्षत मतलब एक चावल का दाना इस दीपक के अंदर डाल देना है। इस बात का ध्यान रखें कि आप जो चावल का दाना डाल रहे हो वो पूर्ण हो, टूटा हुआ ना हो। अब आपको दो अलग अलग बाती नहीं रखना है, ना ही दो अलग अलग बाती को जलाना है। आपको एक ही बाती दो को मिला के जो बनाई जाती है, जैसा आपकी स्क्रीन में भी दिख रही है, उस प्रकार की बाती तैयार करके घी के दीपक में लगाकर दीपक प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करते समय आप शिव शक्ति का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना भोलेनाथ से, माता पार्वती से जरूर बोलें और दीपक को प्रज्वलित कर दें। गुरुजी ने कहा है आप यह उपाय मात्र 3 या 4 सोमवार करके देखो क्या जाता है। उपाय के दौरान श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का भी स्मरण करते रहें। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।